जब हम पैदा हुए तो हमने सबसे पहले क्या कहा? माँ माँ माँ। जब हम बीमार हुए तब किसने रात रात भर जागकर हमारी सेवा की? माँ ने। जब हम बड़े हुए और हम गिरे या हमें कोई भी तकलीफ हुई तब हमने क्या कहा? माँ माँ माँ। दुनिया में यदि सबसे अधिक कोई प्यार करता है आपको तो है आपकी माँ माँ माँ। आप उसको कोई गिफ्ट दो या ना दो लेकिन वो पापा के जेब से थोड़े थोड़े पैसा बचाकर आपके लिए कुछ ना कुछ ले ही लेते हैं। आप उसके लिए चिंता करो या ना करो लेकिन जब आप घर लेट आते हो तो हर पल उसे आपकी चिंता होती है। आप उसका ख्याल रखो या ना रखो लेकिन हर पल हर वक्त हर समय उसे सिर्फ और सिर्फ आपके ख्याल रहता है। चाहे उस माँ की उम्र कुछ भी हो लेकिन वो हमसे बेइम्तिहान मोहब्बत करना नहीं छोड़ती और यही है अनकंडीशनल लव। अरे तुम उसे कुछ दो या ना दो लेकिन वो तुम्हारे लिए अपनी जान तक दे देगी, जान तक दे देगी। लेकिन कहते हैं ना, दुनिया में फ्री की चीज का कोई वैल्यू नहीं होता, कोई कीमत नहीं करता। शायद इसीलिए हम भी उस माँ के अनकंडीशनल लव को कभी समझ ही नहीं पाते क्योंकि उसने अपना सब कुछ खोया है हमें पाने के लिए और हमें वो फ्री में मिल गई। जब एक लड़की के उसके बॉयफ्रेंड या लड़के के उसके गर्लफ्रेंड छोड़कर चला जाता है ना तो उसे बड़ा दुख होता है, उसका खाने पीने का मन नहीं लगता, उसे नींद नहीं आती, उसे चैन नहीं आता और उसका मरने का भी मन करता है। अरे जो इंसान तुम्हें 2-3 महीना पहले मिले हैं या साल पहले मिले हैं उसे तुम्हें इतना प्यार है, तुम उसके लिए रोते हो, गिड़गिड़ाते हो, परेशान होते हो, मरने की बात तक करते थे। लेकिन सोच कर देखो उस माँ के बारे में जिसने 9 महीने तुम्हें अपने कोख में रखा, तुम्हें इतना बड़ा किया, उसने तुमसे कभी कुछ नहीं मांगा लेकिन तुम्हें वो सब कुछ दिया जो उसके पास था या नहीं था, कैसे भी कहीं से भी करके दिया क्योंकि वो तुमसे अनकंडीशनल लव करती है। लेकिन अब बारी हमारी है, हमारी प्यारी सी माँ की अनकंडीशनल लव करने की, हमारी माँ को अनकंडीशनल लव करने की। तो फैला दो मेरी शब्दों की आग को पूरे नेपाल और भारत में ताकि आज के बाद यहाँ का कोई भी बच्चा अपनी माँ को करे अनकंडीशनल लव।